बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ओर से बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अपना फॉर्म फिलअप किए थे उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है फॉर्म वेरीफाई कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है कि बैंक डिटेल ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप लोगों को किस प्रकार आप लोगों को चेक करना है कि अपना फॉर्म फिलअप आपका वेरीफाई हुआ है कि नहीं, कहीं आपका भी रिजेक्ट हो गया। अगर आप लोगों का रिजेक्ट हो गया है तो किस प्रकार आप लोगों को अभी भी सही करना है, आप लोगों को किस प्रकार रुपया मिलेगा, इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जो भी अपडेट इसके बाद आएगा तो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप लोगों को नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ओर से जो बड़ी अपडेट आया है वो आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, किसका बैंक डिटेल रिजेक्ट हुआ है, सभी चीज़ आप लोगों के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सभी छात्रों एवं छात्राओं से निवेदन है कि जो भी अपना SMS ईमेल तथा PMS पोर्टल पर अपना आवेदन की स्थिति देखते रहें। आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में फॉर्म फिलअप किए थे उसके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट हैं कि जो भी छात्राएँ अपना फॉर्म फिलअप किए थे वो अपना SMS बॉक्स, ईमेल तथा MS पोर्टल पर आवेदन की स्थिति निरंतर देखते रहे। आप लोगों की यहाँ पर देख लीजिए स्कॉलरशिप की ओर से ये सूचना जारी किया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, अपना SMS बॉक्स चेक करना है, ईमेल चेक करना है। सबसे अच्छा आप लोगों को बता दूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के यानी ये वेबसाइट पर आकर, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करते रहना है। उसके बाद आप लोगों को जैसे ही कोई चीज़ आप लोगों को रिजेक्ट करता है तो आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार सुधार करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किसका किसका रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या मैसेज आ रहा है, कहीं आपका भी तो मैसेज नहीं आया है, तो आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सभी चीज़ वेरीफाई कर दिया गया है, बल्कि इसका जो है बैंक डिटेल ही रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये स्टूडेंट का कहना है कि मेरा बैंक डिटेल सही है, उसके बावजूद ये जो है यहाँ पर लंबित यानी पेंडिंग कर दिया गया है, यानी रिजेक्ट कर दिया गया है। लंबित का हिंदी हुआ, लंबित हिंदी हुआ, इसका इंग्लिश रिजेक्ट हुआ, यानी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका बैंक का नाम जो है मेल खा रहा है या नहीं, आप लोगों को बता दूँ, जिसका सही होगा उसका स्वीकृति यहाँ पर लिखा होगा और जिसका सही नहीं हुआ उसका लंबित हुआ। तो आप लोगों को ये भी किस प्रकार सुधार करना है ये भी आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ में देख लीजिए आप लोगों को आगे क्या आया है मैसेज, देख लीजिए एक स्टूडेंट का, यहाँ पर देख लीजिए, डियर यूजर योर एप्लीकेशन नंबर, इतना यानी आप लोग उस स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर ये है, यू हैव, यहाँ पर देख लीजिए, यू हैव बीन रिजेक्टेड एट डिस्ट्रिक्ट चेकर लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट चेकर लेवल से इसका रिजेक्ट कर दिया गया है। रीजन यहाँ पर देख लीजिए बता दिया गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नोट वैलिड एज पर RTPS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट बिहार। आप लोगों को बता दूँ, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसमें दिया था वो सही नहीं था, इस कारण से इसका रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी किया है कि बहुत पुराना दे दिया गया उसका भी रिजेक्ट कर रहा है, एवं बहुत सारा स्टूडेंट तो दूसरे के नाम पर अपना नाम चढ़ाकर दे रहे हैं तो उसका भी रिजेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों को किस प्रकार चेक करना है, कहीं तो आपका भी रिजेक्ट नहीं हो गया है, तो किस प्रकार आप लोगों का स्टेटस चेक करना है, चलिए आगे बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एवं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाता है, इसलिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार अपना स्टेटस चेक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। तो किस प्रकार आप लोगों को आना है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों की क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो सभी छात्राओं से अनुरोध है लिखा है, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना। अगर आप लोगों में ये चीज़ नहीं दिखाई देता है तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अगर SC ST है तो सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर एवं BC एवं EBC है तो सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो चलिए किसी लिंक पर एक पर क्लिक कर देता है, नहीं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसी पर भी क्लिक कर देते हैं, ये पर भी क्लिक करेंगे तो वहीं पर जाएगा। तो चलिए सिंपली हमें इसी पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले अपना अगर स्थिति यानी फाइनलाइज नहीं देखे हैं, ये स्थिति आप लोगों को बता देता हूँ, देख लीजिए। एवं यहाँ पर देख लीजिए, ये भी एक न्यू अपडेट था जो कि मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग वो वीडियो अवश्य जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ ऐसा बता है जो कि इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि उसमें कितना रुपया आप लोगों को किस क्लास वाले को मिलेगा, सभी चीज़ उसमें डिटेल में फुल डिटेल के साथ आप लोगों को उसमें बताएँ। साथ में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिलेगा, साथ में वो वीडियो यहाँ पर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, वो कर देख लेना है। तो चलिए आगे बताने वाला हूँ ये कि आप लोगों को अपना वेरिफिकेशन लिस्ट कैसे देखना है कि आपका रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। सिंपली यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा जो है, ये कैप्चा इसमें फिलअप कर देना है और लॉगिन करना है। आप लोगों को बता दूं कि यूज़र आईडी पासवर्ड जो जिस समय आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो आप लोगों को चलिए मैं इसमें सभी चीज़ फिलअप करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड फिलअप कर दिया, ये कैप्चा इसमें फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को हम लॉगिन करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सभी चीज़ मैंने फिलअप कर लिया, उसके बाद लॉगिन पर सिंपली क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल खुलने के बाद यहाँ पर तीन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तीन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन लिस्ट आप लोगों को दिखाई देगा। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक करना है, यहाँ पर बैंक डिटेल चेक करना है। यहाँ पर देख लीजिए, बैंक डिटेल चेक करना है, बैंक नाम बैंक के नाम से मेल खा रहा है या नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, स्वीकृति लिखा है तो आप लोगों को सही है, अगर नहीं लिखा है तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर चेक करना है। अगर आप लोगों का सभी चीज़ एक्सेप्ट है तो सही है, कहीं भी आप लोगों का रिजेक्ट लिखा है तो आप लोग समझ जाए कि रिजेक्ट हो गया है। तो आप लोगों को किस प्रकार सुधार करना है, तो अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर आप लोगों को वो चीज़ आप लोगों को फिर से वेरिफिकेशन करवाना है, ये प्रिंट आउट निकाल कर। उस न्यू अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।